राजनीति का खबरनामा लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं आज प्रकाश टीवी पर। आपसे हम रोज़ाना मिलते हैं, रोज़ाना हम आपको चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों की, इसके साथ साथ कुछ राष्ट्रीय और कुछ प्रादेशिक खबरें जो सीधे हमसे जुड़ी हुई हैं, जिनका सरोकार हमसे है, वो खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं। आज के बुलेटिन में भी हम आपके लिए कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आ रहे हैं। सबसे अगर महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो जो चंडीगढ़ नगर निगम के इलेक्शंस के ऊपर खतरे के बादल जो मंडरा रहे थे उनको लेकर है, वो अभी भी हालात असमंजस वाले ही हैं। चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस मसले पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दो जो राष्ट्रीय खबरें हैं उनके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है कि वो ये है कि रेजांगला के शहीदों की याद में जो है वो समारोह मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। रेजांगला के बारे में आपको बताते हैं कि रेजांगला जो है वो चीन की सीमा के साथ सटा हुआ स्थान है, लेह और लद्दाख के क्षेत्र में 1962 के युद्ध में, जो कि चीन और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन रेजांगला एक ऐसा मोर्चा था जिस पर भारतीय सेनाओं ने गौरव गाथा लिखी थी और एक शानदार जो भारतीय सेनाओं की जो परंपरा है उसका परिचय दिया था। और रेजांगला के युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में करीब 109 से ज़्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और लेकिन चीन को इस मोर्चे पर आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। और चीन उस वक्त चुशूल जो एक जगह थी वहाँ अब भी है, वहाँ उस पर कब्जा करना चाहता था, और अगर चुशूल पर चीन का कब्जा हो गया होता तो फिर लद्दाख तक उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उस वक्त कुमाऊं बटालियन की सी रेजिमेंट जो है उसको ये काम सौंपा गया था कि वो इस मोर्चे की रक्षा करे। और मेजर शैतान सिंह, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनको परमवीर चक्र मिला, उनके नेतृत्व में चीन के सैनिकों को रोका गया और भारतीय सैनिकों ने असीम शौर्य का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि सबकी वहां पर शहादत हुई, और हालांकि शुरू में तो ये पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे सैनिकों ने हासिल की है, लेकिन जब नवंबर का ये महीना था, लेकिन बाद में जब मौसम ठीक हुआ तब वहाँ जाकर पता चला कि किस तरह से हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े और सभी के सभी सैनिक उसके शहीद हुए थे, सभी के सैनिक मोर्चे पर थे, अपने वेपन्स संभाले हुए थे और सभी के वेपन्स खाली थे, जो कि ये बताता है कि उन्होंने अपना वेपन के अंदर जो एमिनिशन था उसके आखिरी कारतूस तक उन्होंने इस्तेमाल किया। और चीन को भी इस लड़ाई में भारी क्षति का सामना करना पड़ा, हैवी कैजुअलिटी चीन की तरफ से हुई। तो रेजांगला के योद्धाओं को, रेजांगला के शहीदों को आज देश याद कर रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं करतारपुर साहब कॉरिडोर की। करतारपुर साहब कॉरिडोर अब 20 महीने के बाद खुल गया है, और आज जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया था कि वो अपने मंत्रिमंडल के साथ वहाँ जाएंगे, तो आज चरणजीत सिंह चन्नी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, करीब 30 सदस्यों का एक शिष्टमंडल आज करतारपुर साहब किया, और वहाँ पर उन्होंने माथा टेका और पूरे इलाके को देखा, और वहाँ की जो जानकारियाँ जो हमें मिल रही हैं, अब ये भी सुना जा रहा है कि जल्दी ही आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन भी वहाँ जाएगा और वहाँ पर माथा टेकेगा। जो जानकारियाँ हमें मिली हैं उसके हिसाब से अमीर हाशमी का कहना है, जो कि मोहम्मद लतीफ़ जो कि वहाँ इस पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, उनका कहना है कि कुल मिलाकर 100 लोग जो हैं करतारपुर साहिब में पहुँचे, और आने वाले समय में भी ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। अब हम आते हैं चंडीगढ़ की खबरों पर। जैसा कि
मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों को लेकर स्थिति थोड़ी अस्पष्ट है। दरअसल हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम के लिए जो वार्ड्स हैं इनका दोबारा से परिसीमन हुआ है, डिलिमिटेशन हुई हैं और 26 के स्थान पर 35 वार्ड्स अब हो गए हैं। जो चंडीगढ़ के गांव थे उनको भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा बना लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ विवाद भी पैदा हुए हैं। ये परिसीमन जो किया गया है या जो नए वार्ड बने हैं और ख़ासतौर पर जो रिजर्वेशंस की गई हैं, ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशंस की गई हैं या अनुसूचित जातियों के लिए जो रिजर्वेशन की गई हैं, उनका आधार 2011 की जनगणना का है। अब 2011 की जनगणना के बाद से चंडीगढ़ में हालात काफ़ी बदल गए हैं। कई स्थानों पर वो कॉलोनियाँ रही ही नहीं जो 2011 में हुआ करती थी। इसी बात को लेकर दो याचिकाकर्ताओं ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इनमें एक शिव कुमार हैं जो कि 42 के रहने वाले हैं और एक प्रेमपाल हैं जो कि धनास के रहने वाले हैं। तो इनकी याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की गई थी। तो उसके बाद हालांकि डेट इनको दी गई, लेकिन इन याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चूँकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाली है इलेक्शन को लेकर, इसलिए ये इस याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। तो आज फिर से सुनवाई हुई जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी पक्ष रखा गया किस तरह से, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट उनके इस उत्तर से संतुष्ट नज़र नहीं आई और अभी भी इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन 23 नवम्बर तक आदेश दे दिए गए हैं चंडीगढ़ प्रशासन को कि वो इस मामले में, या चंडीगढ़ का जो इलेक्शन कमीशन है, जो प्रदेश इलेक्शन कमीशन है, उसको आदेश दिए गए हैं कि वो नोटिफिकेशन जारी ना करे और इलेक्शंस की घोषणा ना करे। तो 23 नवंबर तक फिलहाल अभी इलेक्शन घोषणा नहीं होगी, उसके बाद क्या होगा ये एक अब स्थिति साफ नहीं है। हो सकता है चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों पर रोक लगा दी जाए, लेकिन हालांकि इसकी जो संभावना है वो काफ़ी कम नजर आ रही है। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं एक और खबर की तरफ। आपको बता दें कि आज जाने वाले गायक सुखविंदर सिंह चंडीगढ़ में थे। सुखविंदर सिंह जो चमकौर साहब में दास्ताने शहादत नाम का जो कार्यक्रम हो रहा है, आपको मालूम होगा कि वहाँ पर एक स्पेशल थीम पार्क बनाया गया है चमकौर साहब में। वहाँ उसका जो दास्ताने शहादत कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में अपना गायन प्रस्तुत करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस देंगे सुखविंदर को। ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी शुरुआत करीब 4 साल पहले जब आज के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, जब टूरिज्म मिनिस्टर हुआ करते थे, पर्यटन मंत्री हुआ करते थे पंजाब के, उन्होंने ये शुरुआत की थी कि यहाँ पर एक विशेष थीम पार्क बनाया जाए जो कि जो समृद्ध सिख इतिहास है, जो सिख विरासत है, उसको दर्शा सके। चमकौर साहब का संबंध आप जानते हैं, सीधे तौर पर श्री गुरु गोविंद सिंह के साथ है, उनके दो बड़े बेटों को साथ है। दोनों बड़े बेटे बाबा जुझार सिंह और बाबा अजीत सिंह ने यहाँ पर शहादत दी थी, तो उन्हीं की याद में ये थीम पार्क वहाँ पर बनाया गया है। लेकिन ये बिल्कुल एक हाईटेक पार्क होगा जहाँ पर 11 गैलरीज बनाई गई हैं। 11 गैलरीज में लोग जो है पूरे सिख इतिहास को देख पाएंगे, जान पाएंगे कि पिछले 400 सालों में, 500 सालों में सिख संप्रदाय की, सिख धर्म की क्या क्या योगदान भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। और आखिर में आपको ये बता दें कि नगर निगम के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये तो अभी 23 तारीख के बाद ही तय होगा, लेकिन क्या है कि उसको लेकर अब गहमागहमी शुरू हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो धरातल पर, ज़मीन पर नज़र आने लग गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष चाय पर चर्चा कार्यक्रमों का आयोजन होना शुरू हो गया है। ऐसा ही एक कार्यक्रम सेक्टर 44 में आज करवाया गया, जो कि वार्ड नंबर 32 हम कह सकते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण सूद
और बाकी कार्यकर्ता पहुंचे और लोगों से, वहां के लोगों से चर्चा की, उनके विचार जानने की कोशिश की और साथ ही अपनी बात भी कही कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में काम हुआ है और किस प्रकार लोगों को एक बार फिर से भाजपा में ही विश्वास व्यक्त करना चाहिए। और जाते जाते आपको एक और खबर हम बता दें, चंडीगढ़ में अब जो पुलिस सब डिविजन्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई। अब तक 3 सब डिविजन्स यहाँ पर काम कर रहे थे, जिनको हम ईस्ट और नॉर्थ और सेंट्रल सब डिविजन्स कहा करते थे, जिनकी अगुवाई एएसपी या डीएसपी स्तर का अधिकारी किया जाता था, लेकिन अब ये संख्या 5 हो गई है। 2 जो नए डिविजन सब डिविजन बनाए गए हैं उनमें साउथ वेस्ट सब डिविजन है और एक नॉर्थ ईस्ट सब डिविजन है। साउथ वेस्ट सब डिविजन में अब 36, 39 और मलोया के पुलिस स्टेशन आएंगे, जबकि नॉर्थ ईस्ट में मनी माजरा, आईटी पार्क और मोली जांगरा रहेंगे। इसी प्रकार सेंट्रल में पहले की तरह सेक्टर 17, सेक्टर 11, सेक्टर 3 और सारंगपुर होंगे। ईस्ट में 26, 19 और डिस्लेरिया होंगे और साउथ वेस्ट में 36, 39 और मलोया होंगे। चंडीगढ़ के पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये सब डिविजन काफ़ी ज़रूरी थे, बहुत पुराने समय से केवल 3 सब डिविजन्स यहाँ पर काम कर रहे थे। हालांकि कुल मिलाकर जो थानों की संख्या है वो 16 है, लेकिन सब डिविजन स्तर पर जहाँ की एक उच्च स्तर के अधिकारी के पास, एक डीएसपी स्तर के अधिकारी के पास कमान होती है, उसको कमान देना ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ में जो पुलिसिंग व्यवस्था है इस अरेंजमेंट के बाद बेहतर होगी और चंडीगढ़ में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी। तो ये थे हमारे आज की कुछ खबरें ट्राई सिटी का खबरनामा में। इसी तरह की कुछ खबरों के साथ हम रोज़ाना आपसे मिलते हैं, आने वाले समय में भी रोज़ मिलता रहा करेंगे। बस आपसे जाते जाते यही गुजारिश है कि आप हमारा चैनल अर्थ प्रकाश टीवी सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।